अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने डेटा कम्युनिकेशन की फिजिकल लेयर के बारे में बात की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस कोर्स में हम बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन में जो OSI या हमारा TCP/IP मॉडल है उनके कम्युनिकेशन डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं थोड़ी सी। लास्ट वीडियो में भी मैंने फिजिकल लेयर के बारे में बातें की थी, आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे फर्दर एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो बगैर कोई टाइम जाया कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फिजिकल लेवल पर हमारी कम्युनिकेशन कैसे होती है। तो फिजिकल लेवल पर हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो इन फॉर्म ऑफ सिग्नल होती है, जिसमें लिए हमें डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि लेयर्स के दरमियान एक डिजिटल फॉर्मेट में आपस में डेटा कम्युनिकेट होता है, और उनके साथ साथ जब वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर डेटा भेजा जाता है तो इन दी फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, क्योंकि हमारा जो केबल या जो हमारा सेटअप बना होता है उसके लिए यूजली हमें वो उनके अंदर, यानी हमारी जो केबल है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि डेटा को ट्रांसफ़र करे, बल्कि उसके बजाय उसे सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि दूसरी डिवाइस पर जाके वो सिग्नल्स डेटा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो डेटा की दो टाइप्स होती हैं, एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल का कंसेप्ट तो आप लोगों को पता ही होगा। बहरहाल, एनालॉग से मुराद कंटिन्यूस है और डिजिटल से मुराद डिस्क्रीट है। ठीक है, तो जहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, एनालॉग डाटा वो डाटा होता है जो कंटिन्यूस होता है। ठीक है, जैसे कि हमारी एनालॉग क्लॉक्स हैं जो कि सुई घड़ी की घूम रही होती है। ठीक है, राउंड वाली गोल वाली क्लॉक होती है। ठीक है, वो लगातार चलती रहती है, सुई उसकी लगातार घूमती रहती है। और इसी तरह ह्यूमन वॉइस है, वो भी कंटिन्यूस है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह बिजली नहीं शुरू हो जाती है, करंट लगना स्टार्ट हो जाता है, बंदा कहता है यार ये कब छोड़ेगा, वो हमें महसूस, कभी अगर आपने शॉक महसूस किया तो आपको कंटिन्यूस का फिनमिना शॉक में महसूस हुआ, वो करंट लगातार लग रहा होता है हमें। ठीक है, वो दरमियान में ब्रेक वगैरह नहीं हो रहा था। लेकिन डिजिटल सिग्नल हमारे को हैं जो कि हमारे डिस्क्रीट लेयर वैल्यूज देते हैं। ठीक है, और ये यानी इनकी स्टेट चेंज होती रहती है। जैसे कंप्यूटर का डाटा, सबसे पहले तो मैं आपको डिजिटल क्लॉक की देता हूँ। डिजिटल क्लॉक हमारी एनालॉग क्लॉक की तरह हर टाइम घूमती नहीं रहती, बल्कि जैसे ही मिनट ख़त्म होता है तो मिनट अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो वो 0 और 1 की वैल्यूज यानी बाइनरी फॉर्मेट में चलती रहती है। तो ये मैंने आप लोगों को, जैसा कि डेटा कम्युनिकेशन में हम डेटा टाइप्स क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव पर बात की थी, तो उसके अंदर हमने क्वान्टिटेटिव में डिस्क्रीट और स्टेटिक्स में, सॉरी, तो हमने ये बातें की थी कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्वान्टिटेटिव डाटा में दो टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो डिस्क्रीट में मैंने फर्दर इसको कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे बाइनरी टाइप का डाटा होता है डिजिटल डाटा, और एनालॉग डाटा हमारा कंटिन्यूस डाटा होता है। ठीक है, जो कि लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो डेटा की दो टाइप्स हैं, एनालॉग और डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में हमारा कंप्यूटर का डेटा जो 0 और 1 से फॉर्मेट पे चलता रहता है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिग्नल्स पर। ठीक है, तो सिग्नल्स क्या होते हैं? तो सिग्नल्स पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा फर्दर डेटा को क्लियर कर देता हूँ कि डेटा, जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हम हमारी बात करने से एयर में एक किस्म की वेव्स पैदा होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम माइक से रिसीव करते हैं और उन्हें फिर हम एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रीट डेटा हमारे कंप्यूटर का डेटा होता है। ठीक है, तो जब भी हम कंप्यूटर के अंदर या कहीं भी कंप्यूटर से बाहर किसी भी जगह पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो हम अपने सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्मेट में, डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से अब हमें सिग्नल्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। तो डेटा की तरह सिग्नल्स भी हमारे तकरीबन दो फॉर्मेट्स होते हैं, यानी दो टाइप्स होती हैं, डिजिटल और एनालॉग। ठीक है, तो एनालॉग वही होता है जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कंटिन्यूस और डिजिटल डिस्क्रीट। तो ये मैंने आपको एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में फ़र्क दिखाया। एनालॉग सिग्नल देखें लगातार चल रहे हैं। ठीक है, डिजिटल में 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो जो हमारा एनालॉग सिग्नल है उसमें कोई पता नहीं है उसकी क्या वैल्यू होगी, लेकिन जो हमारे डिजिटल सिग्नल है, ठीक है, उसका हमें पता है कि उसकी दो वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, लिमिटेड वैल्यूज़ होंगी, मतलब बाइनरी भी हो सकती हैं, 0 और 1 या इस तरीके से लिमिटेड वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, इसके बाद 0 1
के साथ साथ तो थोड़ी बात कर लेते हैं। इन सिग्नल्स को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं एनालॉग्स, और जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स हैं उनको फर्दर क्लासिफाई हो जाते हैं, ठीक है, पीरियाडिक और नॉन पीरियाडिक सिग्नल में, ठीक है। तो पीरियाडिक सिग्नल्स हमारे वो सिग्नल्स होते हैं जो कि एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है, और नॉन पीरियाडिक हमारे वो सिग्नल होते हैं जो कि एक पैटर्न को फॉलो नहीं करते, ठीक है, वो उनका कोई पैटर्न नहीं होता, ठीक है। इसके मैं अभी कोई आपको डिफिनेशन नहीं बताने जा रहा, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो पीरियाडिक और नॉन पीरियाडिक या पीरियाडिक जो भी आप पढ़ें, ठीक है, तो उन सिग्नल्स पर होगी। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।